आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे पीएच पर आधारित कुछ क्वेश्चन के बारे में। पीएच पर किस टाइप से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और उसको अपने को किस प्रकार से सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो जनरली यहाँ पर मुख्यतः या मेन रूप से चार प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक तो पहला लेता है, आपको कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा और उसका नॉर्मली जो कंसंट्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं। जैसे कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है मान लेते हैं और उसकी सांद्रता दे दिया गया है कि इतना है, ठीक, इतना मोल है, इतना इतना मोलर का सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको जनरली आप पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया, सांद्रता दिया गया, मतलब यहाँ पर एच प्लस आयन मतलब प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 10^-4, आप इसको रखते हैं इस फॉर्मूला पर और नॉर्मली और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये सीधा सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये लॉग में अगर पावर रहता है 10^ को सामने आ जाता है -4, और ये log 10^, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर आपको 4 मिल जाता है। इस प्रकार से एक सिंपल क्वेश्चन पीएच पर आधारित क्वेश्चन होता है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर 10^-4 है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है, या तो इसको आपको कैसे दे सकता है, 0.002 करके दे सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2×10^1, 2, 3, यहाँ पर -3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका भी आप इसी फॉर्मूला पर रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और ये हो जाएगा 2×10^-3, ठीक। अब ऐसा दिया रहता है तो हम इसको फिर से लॉग का फॉर्मूला लगाते हुए चलते हैं, माइनस यहाँ पर आ जाएगा log 2 प्लस, अगर इंटू में रहता है तो प्लस हो जाता है, लॉग में अगर इसको सेपरेट करते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके इसको तैयार के अब बना सकते हैं, ठीक। ये माइनस है यहाँ पर, इसका वैल्यू होगा 3010। आप लॉग का वैल्यू याद करने का इजी ट्रिक मैं अपने एक वीडियो में बताया हूँ, उसका आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर यह हो जाएगा, ये फिर से वही हो जाएगा -3, और ये 10^ log, ये हो जाएगा 10, इसका वैल्यू 1 होगा, ओवरऑल यहाँ पर 3 मिलेगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। तो ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2.7 के लगभग माइनस में, और ये माइनस मिलकर फिर से आपको मिल जाएगा 2.7। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक कोई सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और उस पर आपको पीएच निकालने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा यहाँ पर और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, दो डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देगा, ठीक, और बोलता है कि जो नया मिक्सचर जो तैयार हो रहा है उसका पीएच क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन है और उसका समान मात्रा ले लिया गया है, ठीक, दो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, दोनों का समान मात्रा को आपस में मिक्स कर दिए, एक सॉल्यूशन का पीएच था 2 और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच था 3। अब ये बोलता है जब ये आपस में मिक्स हो गया तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसका नया जो पीएच होगा वो क्या होगा, ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समान मात्रा में लिया गया है, या तो आपको अलग अलग मात्रा में भी लिया जा सकता है। तो अगर पीएच पर आधारित कोई भी क्वेश्चन दे तो आप सीधा सीधा सांद्रता की तरफ आगे बढ़ना, आप ये गलती मत करना कि जैसे कि समान मात्रा में लिया गया है, एक का 2 है और दूसरे सॉल्यूशन का 3 है, दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं तो आप 2.5 निकाल के आंसर को करेक्ट करके आ जाएंगे। वहां पर ऑप्शन जो दिया रहेगा, चार ऑप्शन, उसमें 2.5 लिखा ही रहेगा, मतलब यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू रहता है वो लिखा ही रहता है, और आप समझते हैं कि सही आंसर लग गया है जबकि आंसर गलत होता है। जब भी पीएच का क्वेश्चन दे आप उसको सांद्रता में कन्वर्ट करके ही जब सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है इस प्रकार से आपको सॉल्व नहीं करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पर समान मात्रा में लिया गया है
और दो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया गया है। तो हम इसका जिसका पीएच इज इक्वल टू 2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका जो का सांद्रता होगा 10^-2 होगा एच प्लस आयन, और जिसका पीएच वैल्यू 3 है उसका सांद्रता हो जाएगा, उस मिलियन का सांद्रता हो जाएगा 10^-3। अब इसको आपस में मिक्स करना है और मिक्स करके आपको नया पीएच वैल्यू निकालना है। तो आप इसको क्या करोगे, जब मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पर एक प्रकार से हम डाइल्यूट कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक यही हो रहा है। तो यहाँ पर डाइल्यूशन लगा फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ पर बोल रहे हैं M1V1 +M2V2, एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन दोनों को हम मिक्स किए, ये नया सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक ये नया सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन को मिक्स किए, एक का एम मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, एक का है 10^-2 और दूसरे का यहाँ पर V1 और V2, देखिए यहाँ पर समान मात्रा में लिया गया है, तो आप इसको बोल सकते हो V1 इज इक्वल टू V2, और यहाँ पर हम इसको समान मात्रा में ले रहे हैं, आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेना, ठीक आपका आंसर सही आएगा, 50 भी ले सकते हैं 100 भी ले सकते हैं, ठीक जैसा भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक प्लस ये हो जाएगा 10^-3 × 100, और ये नया कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फिर यहाँ से हम पीएच निकाल सकते हैं। नया वॉल्यूम क्या होगा 100 + 100, ठीक तो ये हो जाएगा 200। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो 10^-2 +10^-3, और यहाँ पर 100 कॉमन आ जा रहा है, ठीक यहाँ पर यह हो जाएगा 200। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैं फिर से कॉमन ले रहा हूँ 10^-2 को, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा -1, ठीक और यहाँ पर इसको मैं नीचे लेके इसको कर दे रहा हूँ 100, ठीक फिर से इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 10^-2 है और ये 1 प्लस, इसको मैं आगे लिखना चाहूँगा तो इसको मैं 0.1 लिख सकता हूँ, ठीक 10^-1 है तो आप इसको आगे क्या कहोगे 1/10, तो ये आ जाएगा 0.1, तो ये हो गया 1.1 इज इक्वल टू 10^-2 इज इक्वल टू M 100। तो M का जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा इसको हम 10^2 भी रख सकते हैं, 1.1 इंटू 10^-2 और ये हो जाएगा 10^2। तो M का जो वैल्यू मिलेगा अब क्या मिल गया ये देखिए, ठीक ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1 × 10^-4, ये आपका नया M का वैल्यू मिल गया, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है। अब यहाँ से आप पीएच की गणना कर सकते हैं, तो पीएच इज इक्वल टू आप क्या करो 1.1 × 10^-4, सॉरी ये हाइड्रोजन आयन है कॉन्सेंट्रेशन है उसका, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा -log 1.1 × 10^-4। अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो log 1.1 है, इसका वैल्यू 2 से कम है, मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 0.3, कुछ तो ज़्यादा मिलेगा 0.3 से कम मिलेगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग ये आपको मिलेगा 4 के लगभग मिलेगा, पीएच यहाँ पर कितना मिलेगा 4 के लगभग लगभग मिलेगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या मिल रहा था 2 + 3 इज इक्वल टू 5/2, तो मिल गया था आपको 2.5, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व किए तो क्या मिला आपको 4 के लगभग लगभग मिल रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेशन पर लेकर, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आता है, दो डिफरेंट पीएच का सॉल्यूशन दिया गया है और बोलता है कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है या क्षारीय है, जैसे कि दो अम्लीय विलयन लिया गया है और बोलता है कि एक का पीएच इतना है दूसरे का पीएच इतना है, तो कौन कितना ज्यादा अम्लीय होगा, कौन सा सॉल्यूशन दूसरे से कितना ज्यादा अम्लीय होगा, कितना गुना ज्यादा अम्लीय होगा या कितना गुना कम अम्लीय होगा, या तो क्षारीय सॉल्यूशन दिया गया है तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग सकता है कि कौन सा विलयन दूसरे विलयन के अपेक्षा कितना ज्यादा क्षारीय है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन तैयार होता है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मान
दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक का पीएच 2 है और दूसरे का पीएच 5 है। तो बोल सकते हो यहाँ पर इसको, मैं जैसे कि मैं सॉल्यूशन 1 लेता हूँ इसको, पीएच 2 वाला को, और इसको मैं सॉल्यूशन 2 लेता हूँ, ठीक। तो इसमें बोल सकते हो जिसका पीएच कम है वो ज़्यादा अम्लीय है, ये तो आपको पता ही होगा, और जिसका पीएच ज़्यादा है वो कम अम्लीय होगा, ठीक। तो पीएच 2 वाला मतलब सॉल्यूशन 1 ज़्यादा अम्लीय है, तो कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना गुना ज्यादा अम्लीय है सॉल्यूशन 2 के ओवर में, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करें, कौन ज्यादा अम्लीय है, कितना ज्यादा अम्लीय, कितना गुना ज्यादा अम्लीय है बोल रहा है। तो सॉल्यूशन 1 का पीएच, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, उसका सांद्रता ओवर सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन, जब आप इसको इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है कितना गुना स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन 1 का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जब पी एच इज इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एच प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन -2 होगा, और जिसका 5 है वहाँ पर ये आ जाएगा 10^-5। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है, आंसर आपके बिल्कुल सामने रहता है, आपको इसी को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन 1 का है 10^-2 और सॉल्यूशन 2 का है 10^-5। देखो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10^-2 × 10^-, सॉरी माइनस में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा पावर, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। पावर बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 10^3। 10^3 मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1000। तो आप देख सकते हो पहला विलयन दूसरे विलयन की तुलना में 1000 गुना ज्यादा अम्लीय है। तो आप यहाँ पर, वहां पर आपको क्या मिलेगा, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, इस प्रकार से आंसर रहता है। आप इस प्रकार से सोचेंगे तभी आपका आंसर वहां पर करेक्ट फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है पीएच पर आधारित, तो आपको कोई बफर सॉल्यूशन देगा, और बफर सॉल्यूशन में या तो एसिड मिक्स कर देगा या तो बेस मिक्स कर देगा, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एसिड मिक्स कर देता हूँ, ठीक। और एसिड मिक्स करते हैं, तो एसिड मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर होगा उसका पीएच क्या होगा, आपको पता है बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच मान रिजर्व होता है, ठीक। लेकिन एसिड मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्गली, इसलिए इसको हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस आता है, उसी थोड़ा बहुत चेंजेस को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और इस क्वेश्चन में लिया गया है एक सोडियम एसीटेट लिया गया है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का 0.1 मोलार लिया गया है और एसिटिक एसिड लिया गया है यहाँ पर 0.1 मोलार। मतलब हम यहाँ पर क्या लिए हैं, दोनों का हम समान मोलर यहाँ पर लेते हैं और दोनों का 50 ml हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका pKa वैल्यू दिया गया है और ये दिया गया है 4.57, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन में 0.01 है सोडियम एसिटेट, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दोनों रहेगा तो ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा। सोडियम एसिटेट 0.1 मोलर है, एसिटिक एसिड है 0.01 मोलर है, दोनों का हम 50 ml यहाँ पर लिए हैं, एसिटिक एसिड का पी के ए वैल्यू इतना दिया गया है। अब यहाँ पर नॉर्मली पूछा है कि इस सॉल्यूशन का पी के ए वैल्यू क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत एसिड भी मिक्स कर देता है तो भी आपको वहां पर पूछा जा सकता है। तो एसिड मिक्स करेंगे तो एसिड का जो वैल्यू रहेगा, कितना मिक्स कर रहे हैं हम वहां पर ऐड करेंगे, यहाँ पर सिंपली पूछा गया है इस पर। तो
तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पता होगा यहाँ पर हम हैंडरसन समीकरण को फॉलो करते हैं और उस समीकरण के अनुसार से, रूल के अनुसार से, यहाँ पर हम लेते हैं पी एच बराबर पी के ए प्लस लॉग, यहाँ पर हम लेंगे साल्ट, और साल्ट और इधर लेते हैं वीक एसिड। अगर बेस रहता है तो हम यहाँ पर बेस लेते हैं, एसिड है तो हम यहाँ पर एसिड लेंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है, ठीक। तो पीएच वैल्यू निकालना है, पीके वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। अब साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा तो ये वाला हो जाएगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा तो ये वाला हो जाएगा। दोनों का 50 ml मिक्स किया गया है, समान मात्रा में लिया गया है, तो मिलीमोलर यहाँ पर दोनों का सेम रहने वाला है। जितना चेंजेस वहाँ पर होगा इतना चेंजेस यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं निकालने का। सीधा सीधा आप इसको वैल्यू रखते हैं और वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं। पी के ए वैल्यू का वैल्यू दिया गया है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट का वैल्यू दिया गया है 0.1 और इसका वैल्यू दिया गया है 0.01 वीक एसिड का। आप रखें इसको, फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 0.1 और ये हो जाएगा 0.2। ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻¹ इंटू 10⁻², बचा यहाँ पर 10, तो ये हो गया 4.57 प्लस लॉग 10, 10 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर अपने को आंसर क्या मिला, 5.7 प्लस 1 इज इक्वल टू 5.57, किसका, इसका पीएच। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सिंपली इसी टाइप से क्वेश्चन पीएच पर आधारित क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा सोच आगे ले जाना है और इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। तो आप इसी प्रकार से अगर आगे प्रॉब्लम को कैसे जनरेट किया जाता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, सोच वो आपको यहाँ तक ले जाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने का टेक्निक आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।